नमस्कार प्रवीण वाजपेयी, अपने YouTube चैनल मैं प्रवीण वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके दिमाग में सवाल जरूर आता होगा कि आखिर इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है। अब ये कट ऑफ बताने के पीछे रीजन सिर्फ इतना है ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल सके कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए और किस माइंडसेट के साथ आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। बस इस बात का मतलब सिर्फ इतना है। कट ऑफ को इसीलिए डिस्कस किया जा रहा है ताकि एक आपको गोल आप सेट कर सको कि हाँ आपको इतने का टारगेट लेके चलना है। जो कट ऑफ का एनालिसिस हम लोग करेंगे वो 2015, 2017, 2018, 2019 की कट ऑफ को देखते हुए एनालिसिस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं एक ऐसी बात बताने वाला हूँ आपको, उसका अगर आपने 50% भी इम्प्लीमेंट किया, सिर्फ 50% अगर इम्प्लीमेंट किया तो आप एग्ज़ाम को 100% क्वालिफाई कर सकते हो, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। बस अगर आपने उस बात को 50% भी इम्प्लीमेंट किया तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि 2015 में आपकी जो कट ऑफ थी वो कितनी रही थी। तो 2015 में मेल कैटेगरी के लिए जनरल की जो कट ऑफ थी वो आपकी 71 थी और फीमेल के लिए जो कट ऑफ थी वो आपकी 70 गई थी। ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी की मेल के लिए जो कट ऑफ थी वो 68 थी और फीमेल के लिए जो कट ऑफ थी आपकी वो 65 थी। एससी की अगर बात करें तो एससी की जो कट ऑफ गई थी वो 60 गई थी और फीमेल के लिए गई थी 62। अब आप देख रहे हो कि फीमेल की यहाँ पे ज्यादा चली गई और एसटी की कट ऑफ यहाँ पे एसटी की कट ऑफ एससी से ज्यादा गई है। कितनी गई थी? 65 और फीमेल के लिए कितनी गई? 55। अब हम बात करते हैं 2017 की। 2017 में जो जनरल की कट ऑफ गई थी मेल के लिए वो 78 थी, फीमेल के लिए 73। ओबीसी की अगर बात करें तो मेल कैटेगरी में 75 गई थी और फीमेल के लिए कितनी गई? 69। एससी की बात करें तो 68 थी और फीमेल के लिए कितनी थी? 64। एसटी की बात करें तो कितनी गई थी? 67 और फीमेल के लिए कितनी गई थी? 57। अगर हम बात करें 2018 की तो जनरल की कट ऑफ जो थी वो आपकी 77 थी और फीमेल की कितनी थी? 66। ओबीसी की कितनी गई थी? 76 और फीमेल की कितनी गई थी? 62। एससी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो मेल के लिए 70 गई थी आपकी कट ऑफ और फीमेल के लिए कितनी गई थी? 56 गई थी, यानी कि 56 गई थी। एसटी के लिए कितनी गई थी? 74 और फीमेल के लिए कितनी गई थी? 61। जनरल की अगर बात की जाए, अब यहाँ भी आप देखो कि एसटी की जो कट ऑफ है वो एससी से ज़्यादा है, तो ये चेंज आपका होता रहता है। जनरल की कट ऑफ अगर हम 2019 में बात करें मेल कैटेगरी के लिए तो कितनी गई थी? 79 और फीमेल के लिए कितनी गई थी? 68। ओबीसी की बात करें तो कितनी गई थी? 77 और फीमेल के लिए कितनी गई थी? 64। एससी की बात करें तो 72, फीमेल के लिए 58 और एसटी की बात करें तो 76 और फीमेल के लिए कितनी गई थी? 62। यहाँ भी आपकी एसटी की कट ऑफ जो है वो एससी से कहीं ज़्यादा है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल गया होगा। अब 2015 से मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले का लेना कोई मतलब की बात नहीं, क्योंकि यहीं से हम एक कंपटीशन को देख सकते हैं कि कंपटीशन कितना है। ज़्यादा पुराना लेने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो 2015, 2017, 2018, 2019 मेन तो आपके लिए यही पोर्शन है आपका 2017, 2018, 2019। अब आप ध्यान से देखो कि 78, 77 जनरल को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, 78, 77, 79। तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आपको कितना का टारगेट लेके चलना है। कहीं ना कहीं आपका एक नंबर कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है, तो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो एक्सपेक्टेड आपकी कट ऑफ जो 2020 है उसमें कितनी जा सकती है, कितना आपको टारगेट लेके चलना चाहिए, उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ से आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा कि कट ऑफ का सिनेरियो क्या चल रहा है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके, अगर आप मेल हैं तो 75 से अगर आप 82 के बीच में मार्क्स लाते हैं तो कहीं ना कहीं आप सेफ हैं। अगर आप फीमेल हैं तो 67 से 72 पे आप सेफ रह सकते हैं, एक दो नंबर आपका ऊपर नीचे हो सकता है। अगर बात करें ओबीसी की तो ओबीसी में मेल कैटेगरी के लिए 73 से लेकर के 80 तक अगर आप मार्क्स लेके आते हैं तो आप सेफ हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो 65 से लेकर के 70 तक अगर आप मार्क्स लेके आते हैं तो आप सेफ हैं।
एससी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो मेल के लिए 70 से 75 और फीमेल के लिए 60 से लेकर के 64 तक, एसटी की अगर बात की जाए तो 68 से लेकर के 72 और फीमेल के लिए बात की जाए तो 60+। तो ये आपका अगर आपके इसके अराउंड मार्क्स आते हैं तो आप कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो सकते हो। आप भी देख रहे हो कि अगर आपको सेलेक्ट होना है तो 75+ मार्क्स तो आपको लाने पड़ेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। बाकी कैटेगरी का आप देख रहे हो जिस तरीके से कट ऑफ जा रहा है उस तरीके से 75+ ही आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं उस बात की जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरुआत में किया था कि आखिर कौन सी बात आपको अगर पता चल जाए और उस बात का 50% भी अगर आप इम्प्लीमेंट कर लेते हो तो आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाओगे। वो बात ये है कि आपको इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ फोकस अपनी स्टडी पे करना है। आपको इस बात पे फोकस नहीं करना है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। कट ऑफ को अपने दिमाग में मत रखो। एक आप आइडिया ले सकते हो कि इतना आपको एक इतना रोड मैप लेके आपको चलना चाहिए, इतना आपको टारगेट बना के चलना चाहिए कि आपको इतने नंबर लाने हैं। वो आपने एक बार माइंडसेट बना लिया उसके बाद आप ज़्यादा इस बारे में मत सोचो कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कितना क्या वो लाना पड़ेगा। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। पढ़ाई पे फोकस करोगे तभी एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, अदर चीज़ों पे फोकस करोगे तो टाइम खराब होगा। तो यहाँ से मैं आपको राय देना चाहता हूँ कि अगर आप 50% भी जो आप इधर उधर टाइम अपना ख़राब करते हो उसका 50% भी अगर आप स्टडी पे लगाओ तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। इस चीज़ के चक्कर में मत पड़ो कि क्या होगा, फ्यूचर की बात फ्यूचर पे छोड़ दो, जो प्रेजेंट में चीज़ें आप कर सकते हो वो करो। तो ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट बात है जिसे आप अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो वाकई में इससे आपका सिलेक्शन होगा, आप अपने पर ध्यान दो। दूसरा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी मैथ्स की पूरी गारंटी हमारी है। यहाँ पे हमारा 15 में 15 का टारगेट है जहाँ पे हम लोग सारे टॉपिक कवर करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे मैं आपको कराऊंगा मैथ्स के। टॉपिक वाइज क्लासेस आपकी नंबर सिस्टम पे पूरी आ चुकी हैं, एलसीएमएससी पे भी 4 से 5 क्लासेस आ चुकी हैं। तो अगर उन क्लासेस को आप लोगों ने नहीं देखा है तो उन क्लासेस को भी देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूरे जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, उनके जो भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं वो सारे हम लोग 1x1 डिस्कस करेंगे। तो मैथ्स की आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना है। 15 में 15 नंबर आपके आएंगे इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, दबा के शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।